नमस्कार, इंडस हेल्थ प्लस की ओर से आपका स्वागत है। अब आप एक प्रेजेंटेशन देखने जा रहे हैं जो आपके जीवन में एक क्रांति ला सकता है। कृपया स्थान ग्रहण करें और अपने पेजर्स और मोबाइल फोन्स ऑफ करें। पृथ्वी पर के जीवन का प्रारंभ पानी से हुआ। प्राणियों से शुरुआत होकर प्रथम रेंगने वाले प्राणियों से लेकर वो सस्तन प्राणियों तक पहुंच गया और इस जीव सृष्टि में अपनी मानव जाति की उत्पत्ति ये उत्क्रांति का आखिरी पड़ाव रहा। लेकिन ऐसी वो कौन सी बात है जिससे हम अन्य प्राणियों से अलग माने जाते हैं? वो खाते हैं, हम भी खाते हैं। वो घूमते हैं, हम भी घूमते हैं। वो झगड़ा करते हैं, हम भी झगड़ते हैं। क्या ये सब बातें हम सुसंस्कृत तरीके से करते हैं? क्या इन तमाम चीजों में हमने कुछ बदलाव लाया है? जी हाँ, हम अन्य प्राणियों से अलग हैं दो मायने में। हमारी सोचने की क्षमता, आकलन शक्ति और हासिल की हुई जानकारी आगे वाली पीढ़ी को पुस्तक और भाषा के रूप में प्रदान करने की शक्ति। हमने अपने शरीर स्वास्थ्य से सावधानी बरतना शुरू किया। हमारे पूर्वजों ने औषधियां संशोधित की। अन्य प्राणी जब बीमार हो जाते हैं तब तड़पते हैं, मगर हम बीमार हो जाने पर दवाई लेते हैं और स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं। अच्छा लगता है ना? क्या हमने इसे सचमुच प्राप्त किया है? क्या हमें संतुष्ट होना चाहिए? नहीं, क्योंकि हम मानव लगातार कुछ न कुछ खोजते रहते हैं, नूतन कक्षाएं निर्माण करते हैं और यही हमारी विशेषता है, मानव होने का गर्व। पुस्तकों के साथ संगणक का निर्माण करा के हमने खुद को और अद्यावत कर दिया है। शारीरिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमने एक नए क्षितिज का निर्माण किया है, एक नई संज्ञा को जन्म दिया है, गुड हेल्थ। क्या शारीरिक स्वास्थ्य का मतलब किसी भी रोग का ना होना है? नहीं, इसका मतलब अपनी बौद्धिक शारीरिक प्रगति के साथ पूर्णत्व को हासिल करना है। आप कितना जीते हैं ये अहम बात नहीं है, आप कैसे जीते हैं यही अहम बात है। आप किस श्रेणी की जिंदगी जीते हैं? अब ये सवाल सामने आता है कि ये सब हम कैसे पाएं? और इसका उत्तर हमारी उत्क्रांति में है। हमें एक संज्ञा हमेशा याद रखनी होगी, वही आपकी जिंदगी बना देगी। रोग आप तक पहुंचे इससे पहले आप उस तक पहुंचिए और उसका संहार करिए। और ये सहज साध्य है। हम हमारे शरीर की शास्त्रोक्त जांच पड़ताल करा के इसे साध्य कर सकते हैं। किसी अद्यावत जांच केंद्र में जाकर ऐसी जांच के द्वारा हम हमारे शरीर में हो रहे बदलाव और खराबियों को जान सकते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप सभी इससे सहमत होंगे, फिर भी ऐसे कितने लोग हैं जो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहते हैं और जांच करा लेते हैं? ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, क्योंकि कारण एक ही है, मैं जवान हूं, तंदुरुस्त हूं। शारीरिक जांच तो केवल वयस्कों के लिए होती है। अब हम एक तंदुरुस्त सज्जन की मिसाल आपको दिखाते हैं। चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल फिट हूं। आप हैं मिस्टर फिट। अपने मिस्टर फिट की दौड़ धूप वाली 24 घंटे की जिंदगी को देखते हैं। भाई, लेट हो रहा है मुझे। अरे दो मिनट तो रुक जाइए। हर रोज इन्हें ऑफिस जाने में देरी होती है और सैंडविच लेकर ही वे निकल जाते हैं। प्रदूषण और तनाव तो रोजाना की बात है। ऑफिस में और मीटिंग में वे सिर्फ बैठते हैं, बैठे रहते हैं। और अलबत्ता चाय के अनगिनत दौर। अरे आप सुबह करा के देने वाले थे ना, कहाँ है पेपर्स? ये उन्हें टारगेट मीट करना है और वो भी टेंशन ढोकर। मारिया, क्या खा रही हो? जाहिर है इनके पास समय नहीं है सही खाना खाने के लिए। यदि आपने इन्हें धूम्रपान मत कीजिए ऐसा कहा तो लेक्चर मत छाड़ना। दिन में सिर्फ दो बार पीता हूं, प्रीमियम ब्रांड है यार। मैं फिट हूं बॉस।
लंबे चौड़े दिन के बाद वे सुकून चाहते। मैं बिल्कुल बिल्कुल फिट हूँ। देखते हैं इन्होंने इस एक दिन में खुद का कितना नुकसान कर लिया है। चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल फिट हूँ। गिन कर तो देख लेते हैं। सोचिए इस हिसाब से 3 साल के बाद उनकी हालत क्या हो। 4 सालों बाद सालों बाद मैंने सोचा ही नहीं था पहले कभी। मुझे प्लीज बताइए ना, मुझे क्या करना होगा? आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य की नियमित जांच करें आला दर्जे के जांच केंद्र से। मैं बहुत बिजी हूं, क्या इसे काफी समय लगेगा? सिर्फ एक दिन। पर क्या यह सब काफी खर्चीला है? नहीं, वैसे नहीं। आपके भविष्य के हॉस्पिटल के बिलों के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। बस सोचिए यदि आपके भविष्य की परेशानी मानसिक तनाव को आपने इसे एक जांच के बाद खत्म कर दिया तो। पर मुझमें रोग के कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। देखिए मुझे दर्द नहीं हो रहा, मुझे कमजोरी महसूस नहीं होती, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, सॉरी टू से, पर मैं सचमुच फिट हूँ। जब ऐसे 100 फिट सज्जन जांच के लिए गए तब उनमें से 11.14% सज्जनों में मधुमेह पाया गया। ये सब ऐसी बीमारियां हैं जिनके लक्षणों का एहसास नहीं होता। तूफान की तरह वे उभरते नहीं है, वे तो दीमक की तरह शरीर को खोखला बना देती है। और यह कैंसर, बीपी, एड्स, कोरोनरी हार्ट डिजीज, टीबी और डायबिटीज। पर मुझे डायबिटीज कैसे हो सकता है? देखिए मुझे मुझे बार बार प्यास नहीं लगती, मेरे जख्म जल्दी ठीक हो जाते हैं, मैं मीठा नहीं खाता, सच पूछो तो मुझे मीठा पसंद ही नहीं है, तो फिर मुझे डायबिटीज कैसे हो सकता है? काफी मधुमेही सज्जनों का यही भ्रम होता है। भ्रम? जी हाँ, आपको मधुमेह हो सकता है उन सब लक्षणों के सिवा भी। ओके, मुझे और एक डाउट है, आप उसे भ्रम कह सकते हैं? आगे कहिए। देखिए मुझे बार बार सरदर्द नहीं होता, मतलब मेरा ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल ही है। मिस्टर फिट, अनेक व्यक्तियों को दिमाग में रक्तस्राव हो जाने के कारण अस्पताल जाना पड़ता है। वो हाई बीपी की वजह से, उन्होंने बीपी कभी चेक नहीं किया होता है क्योंकि वे उससे परे। सरदर्द? अपने शरीर के बारे में सोचो एक कार की तरह, क्या जब तक वो खराब ना हो जाए तब तक मैकेनिक के पास जाना ही नहीं, बिल्कुल ठोकराने की नौबत आने तक? सर्विस कराइए वक्त पर। मुझे चेकअप करा लेना चाहिए? देरी मत करना। मुझे और एक बात पूछनी है, प्लीज किसी से कहना नहीं। एक्चुअली मुझे बहुत डर लग रहा है, मतलब चेकअप में किसी दोष का पता हो जाए तो। तो फिर डॉक्टर उपचार कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है यदि उन्हें शुरुआत में ही पता चल जाए। और आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं आपके पसंदीदा अस्पताल में। डर के बावजूद चिंता ना करिए, आगे की सोचिए, आपकी पत्नी और बच्चों को आपकी जरूरत है। अपने बुजुर्गों के बारे में सोचिए, आप उनके लिए तभी कुछ कर सकेंगे जब आप खुद फिट रहें। और एक बात, मेरी पत्नी सिगरेट नहीं पीती, दारू नहीं पीती, वेजिटेरियन है, मुझसे उम्र में छोटी है, और हाँ हेल्दी भी है। फिर भी उसे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की जरूरत है। कैंसर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, ये सब उम्र का लिहाज नहीं करते। 100 तंदुरुस्त महिलाओं में से 16 में हाई कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। 25 महिलाओं में मोटापा, जिस पर समयानुसार उपचार नहीं किए गए तो हाई बीपी की परेशानी हो सकती है, और हृदय रोग की भी। धूम्रपान और अल्कोहल से दूर रहना हमेशा फायदेमंद है, मगर उससे सब रोगों से मुक्ति पाने की गारंटी नहीं हो सकती।
35 की उम्र के पति पत्नी जो अपनी जिंदगी और करियर प्लान करना चाहते हैं, उनके लिए नियमित स्वास्थ्य की जांच कर लेना ये हमेशा फायदेमंद साबित होता है। अगर आप ये सब करते हो तो मानो बच्चों से प्यार और स्नेह मिलने की गारंटी होगी। हे बॉस, नहीं ये सब सुनने में अच्छा लग रहा है, मगर क्या सचमुच ऐसी कोई जगह है? स्वागत है इंडस हेल्थ प्लस प्राइवेट लिमिटेड में, एक अंतरराष्ट्रीय दर्जे का वैज्ञानिक केंद्र और ISO 9001:2000 संस्थान, जहां व्यावसायिक तत्वों की आंतरिक इच्छा परावर्तित होती है, समाज हेतु कुछ अच्छा करने में जहां नफा और सामाजिक जिम्मेदारी हाथ में हाथ मिलाकर चलती है। ये है इंडस हेल्थ प्लस का प्रमुख कार्यालय जो पुणे में है, एक अत्याधुनिक ऑफिस उनके लिए जिन्हें भविष्य की दृष्टि है। मिलते हैं इस टीम के कुछ प्रमुख सदस्यों से। गुड हेल्थ हैज ऑलवेज बीन क्लोज टू माय हार्ट। आई बिकेम अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट प्रिवेंटिव हेल्थ चेक इज द बेस्ट मींस टू हेल्प मेंटेन गुड हेल्थ। इंडस वाज अ व्हीकल क्रिएटेड टू रीच मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल बाय सिनर्जाइजिंग कटिंग एज टेक्नोलॉजी विद न्यू एंड इनोवेटिव कॉन्सेप्ट्स इन मार्केटिंग। Let us meet the three young and dynamic leaders who have taken this vision forward to new heights in a very short span of time. हम नवंबर 2000 से इस बिजनेस में हैं और पहले साल से ही हम प्रगति के पथ पर बढ़े जा रहे हैं। आज जो आप देख रहे हैं वो कोई एक रात की कामयाबी नहीं है, बल्कि उसमें शामिल है काफी सालों के कष्ट, प्रॉपर प्लानिंग और दूर दृष्टि। 2006 की शुरुआत में हमारे पास 80,000 कस्टमर्स थे और उनमें हर महीने कुछ हजार का इजाफा हो रहा है। महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हमारा नेटवर्क है। हम हर कस्टमर के रिकॉर्ड को सही रीति से मेंटेन करते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन को जरूरी ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव बैकबोन की भूमिका हम बखूबी से निभाते हैं और इसका हमें गर्व है। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स और हर रोज की जिम्मेदारियां निभाने वाला हमारा स्टाफ, इनमें एक सही समन्वय पाया गया है और ये समन्वय है व्यवसायिक आकांक्षा, सर्वोत्कृष्ट सेवा और तांत्रिक गुणवत्ता तथा मार्केटिंग के अद्वितीय कल्पना का। एक न्यूट्रल ओपिनियन लेना ही होगा। अपना समय देने पर मैं आपका आभारी हूँ डॉक्टर। डॉक्टर साहब, क्या आप मुझे बताएंगे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का महत्व क्या है? प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप या प्रिवेंटिव मेडिसिन, इस संकल्पना को समझने से पहले हम ये जान ले कि प्रिवेंशन का मतलब क्या है। प्रिवेंशन का मतलब है टालना। तो फिर आप क्या टालने का प्रयास करते हैं? क्या आप किसी व्याधि को टालने का प्रयास कर रहे हैं जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं? अब एक बात समझना जरूरी है कि शरीर में काफी प्रक्रियाएं घटती है। अब इन प्रक्रियाओं का उदित होना, ऐसा तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें से कुछ जनुकों की वजह से घटित होती है, कुछ अनुवांशिक कारण से होती है, कुछ हद तक अपने वातावरण के प्रभाव से होती है, जिन्हें हम टाल नहीं सकते। मगर जब ये सारी प्रक्रियाएं शरीर के भिन्न भिन्न संस्थाओं में घटती रहती हैं, होती रहती हैं, और जब कोई प्रक्रिया शरीर के किसी संस्था को एक हद से ज्यादा प्रभावित करती है, तब वो संस्था व्याधिग्रस्त हो जाती है और आप किसी रोग से पीड़ित होते हैं, कोई व्याधि हो जाती है। इस प्रक्रिया का इस हद से बढ़ने से पहले ही हमने उसका निदान किया, उसे हम समझ सके उस संस्था में, तो उस प्रक्रिया का विस्तार, उसकी व्याप्ति हम पहले ही रोक सकते हैं, टाल सकते हैं उसे बढ़ने से, और इसे हम कह सकेंगे प्रिवेंटिव मेडिसिन या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। मगर डॉक्टर साहब, मुझमें अगर कोई लक्षण ना दिखाई देते हो तो मुझमें प्रॉब्लम कैसे हो सकता है? ये एक समाज में अनेक स्तरों पर फैली हुई एक गलत फहमी है। एक बात पर गौर करना चाहिए कि लक्षण, किसी भी व्याधि या रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि उस विशिष्ट संस्था को एक विशिष्ट मर्यादा से बढ़कर भी अधिक हानि पहुंची है। निसर्ग ने या ईश्वर ने कहिए, ये जो एक शरीर नाम का अद्भुत यंत्र बनाया है, उसके अनेक अनेक गुणधर्म है। उनमें से एक महत्वपूर्ण गुणधर्म यह है कि प्रत्येक अवयव में, उसकी हर संस्था में काफी बड़ी मात्रा में रिजर्व है। उनकी क्षमता इतनी है कि जब वो क्षमता 70-80% से भी कम हो जाती है, तब उस शरीर संस्था के उस अवयव के
रोग से व्याधि से ग्रस्त हो जाने के लक्षणों का हमें पता चलता है। मतलब ये है, जब आप इन लक्षणों पर ध्यान देते हैं तब उस संस्था को अपरिमित हानि पहुंची होती है। आप फिर उस संस्था को पुनः अच्छी अवस्था में कभी नहीं ला सकते। लगभग लगभग सारे लोग जिसकी मिसाल देते हैं हार्ट अटैक, हृदय रोग। मतलब क्या होता है? हृदय एक स्नायु का पंप है, उसे लगातार काम करने हेतु खून की जरूरत होती है। खून बहता है वाहिनियों से। ये रक्त वाहिनी जब 70-80% हद तक किसी जगह खराब होती है, तब उस स्नायु को इतना कम खून मिलता है कि वो स्नायु शिकायत करने लगता है। आपके सीने में दर्द होने लगता है और काफी सारे लक्षण दिखाई देते हैं जिसे आप हार्ट अटैक कहते हैं और घबरा जाते हैं। परंतु ये क्रिया काफी सालों से चलती आई है जब इसके कोई लक्षण दिखाई नहीं दिए। इसलिए ध्यान में रखें कि लक्षणों का पता चलना ये बहुत आगे की बात है। प्यास से गला सूखने के बाद कुआं खोदना ये तो केवल मूर्खता है। प्यास लगने वाली है, मुझे पता है, इसलिए मैं पहले से ही कुआं ढूंढता हूँ। इतनी सारी टेस्ट करने की जरूरत ही क्या है डॉक्टर साहब? ये आशंका तो काफी लोगों के मन में आती है जब हम उन्हें बहुत सारी टेस्ट करने की सलाह देते हैं। लोग कुछ शक की नजर से हमें देखते हैं, मगर ये सही नहीं है। ध्यान में रखें कि आपके अनेक अवयव हैं। आपको कान है, आंखें हैं, थायराइड ग्रंथि है, फेफड़े हैं, हृदय है, यकृत है, मूत्रपिंड है और मगज तो निश्चित ही है। इन सब अवयवों का स्वास्थ्य जानने की ऐसी कोई भी अलादीन के दिए जैसी कोई जादुई जांच नहीं है। आज का शास्त्र प्रगत है, निश्चित ही प्रगत है। 50 साल पहले किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा इतना प्रगत हुआ है। फिर भी हर अवयव की बड़ी बारीकी से जांच बहुत जरूरी है। किसी भी अवयव का महत्व उस अवयव के खराब हो जाने के बाद ही महसूस होता है। सिर्फ दांत दर्द करने लगे तो रोने की नौबत आती है, परंतु दांत की जांच, कान की जांच, हृदय की जांच कराने से नहीं होती। इसलिए इतनी सारी टेस्ट करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हर अवयव उतना ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर साहब, मैंने हर तरह के इंश्योरेंस उतारे हैं, फिर मुझे इन चेकअप की जरूरत ही क्या है? ये भी एक खासा मजाक है। काफी लोग वैसे तो पढ़े लिखे हैं ये सवाल पूछते हैं और फिर हमारी तरफ शक की निगाह से देखते हैं। दोस्त, तुमने इंश्योरेंस उतारा है। इंश्योरेंस तुमने किस लिए उतारा है? इंश्योरेंस तुम इसलिए उतारना चाहते हो कि उस इंश्योरेंस के उतारने से तुम बीमार नहीं होगे। अरे भाई, ये इंश्योरेंस बीमारी ना हो जाए इसलिए नहीं है। तुम बीमार हो जाओगे, शायद इंश्योरेंस की किस्तें चुकाने की फिक्र में ज्यादा बीमार हो जाओगे, अस्पताल में दाखिल हो जाओगे, मुझ जैसे कोई डॉक्टर ऑपरेशन करेंगे, एक काफी मोटा बिल भेजा जाएगा आपके पत्नी के पास और फिर बाद में कंपनी उस बिल को चुकता कर देगी। तो यह इंश्योरेंस तुम्हारी जेब से बिल भरने की नौबत ना आए इसलिए है। बीमा, इंश्योरेंस किसका होना चाहिए? कि तुम बीमार नहीं होगे, तुम निरोगी रहोगे, इसकी गारंटी मिलेगी। तो उठो, जाग जाओ और तुम्हारी दिनचर्या में, तुम्हारे जीवन मान या जीवन पद्धति में ऐसा बदलाव करो, ऐसे कदम उठाओ कि जिससे तुम्हारे आरोग्य को निरोगी रखने का बीमा हो जाए और पैसों का नहीं। डॉक्टर साहब, क्या मैं ऐसे किसी व्यक्ति से मिल सकता हूं जिसे इसका वाकई में फायदा हुआ हो? जरूर, मगर फायदा किसमें है उससे पहले जान लो। शरीर के भिन्न अवयव या संस्थाओं को खराब करने वाली कोई एक प्रक्रिया, जल्दी पता होने पर हम उसे वहीं पर रोकते हैं। उससे व्याधि या रोग नहीं होते, कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते, इसलिए आपकी उम्र बढ़ती है। परंतु ये एक अहम मुद्दा है या एक महत्व की संकल्पना है जो प्रिवेंटिव मेडिसिन का मतलब उसकी आत्मा ही है, उसे समझना जरूरी है। आयुर्मान और आपकी जिंदगी जीने की श्रेणी तो महत्व की ही है, परंतु अनुभव से ये कह सकते हैं कि जिंदगी जीने की श्रेणी का आयुर्मान से भी ज्यादा महत्व है। मेरे साथ चलिए, सैकड़ों नहीं हजारों जवान, मध्यम वयीन और बुजुर्गों से मिलाऊंगा जो सब सुख से अच्छे श्रेणी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। मैंने कुछ टेस्ट किए, करने के बाद ये पता चला कि मेरे गर्भाशय में 4 गांठें हैं। इसका पता चलने के बाद मैंने डॉक्टर से सुचारू रूप से ट्रीटमेंट ली और आज मैं फिर से स्वस्थ हो गई हूँ। क्योंकि इस जांच की वजह से मैं कैंसर जैसी भयानक बीमारी से मैं बच गई और इसी वजह से मैं और मेरी फैमिली खुशी से जी रहे हैं। 30 अप्रैल 2004 को मैंने और मेरे फैमिली ने एक साथ ही चेकअप कराया। मैं, मेरी मिसेस और लड़की ने, SM तीनों ने चेकअप कराया। मिसेस और लड़की में कोई दोष नहीं पाए, किंतु मेरे बारे में डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपको जन्म से एक ही किडनी है। क्या, एक ही किडनी? हाँ, पिछले 52 साल से मैं एक ही किडनी के सहारे जिंदा हूँ। माय गॉड,
मैं नौकरी करता हूँ और कंपनी के जरिए मैंने कई बार अनेक जगहों पर चेकअप कराया, मगर कहीं भी इस दोष का पता मुझे नहीं चल पाया। सिर्फ इंडस में ही मुझे इस बात का पता चल पाया, इसलिए मैं इंडस का आभारी हूँ। मैंने मेरे पिताजी की सारी टेस्ट यहाँ पर की है और उसकी वजह से एक बात सामने आई कि यदि हम और कुछ दिनों के बाद ये टेस्ट कराते तो उनकी एक किडनी जो 70% कार्य नहीं करती है, उस वजह से दूसरी किडनी को भी हानि पहुंचकर उन्हें सारी जिंदगी डायलिसिस पर गुजारनी पड़ती। आज सही समय पर इन टेस्ट कराने की वजह से आज हमारा परिवार खुशहाली से जी रहा है। मेरी माँ का मैंने इंडस में चेकअप कराया, उसमें दो चीजें सामने आई जिसमें एक थी थायराइड की गांठ और दूसरी थी दिमाग को खून पहुंचाने वाली नली, जिसमें एक बड़ी गांठ का पता चला। इसकी वजह से भविष्य में मेरी माँ को पैरालिसिस का अटैक आने की संभावना थी, मगर सही वक्त पर निदान होने की वजह से पैरालिसिस से हम बच पाए। हमने ऑपरेशन करवाया और अब मेरी माँ पूरी तरह से स्वस्थ है। मैं इंडस का शतशः आभारी हूँ। हेल्थ चेकअप एट इंडस। स्वागत है इंडस हेल्थ प्लस प्राइवेट लिमिटेड में, जिन्हें मिल रहा है हॉलिस्टिक का सहकार। खून की जांच करने में सभी परिचित ऐसे टेस्ट, मिसाल के तौर पर ब्लड ग्रुप, हीमोग्लोबिन की मात्रा, शक्कर की मात्रा, ये तो की जाती ही है, मगर इसके अलावा खून में स्थित किडनी के क्षार, लीवर के क्षार और खून के कोलेस्टेरॉल की मात्रा भी चेक की जाती है। दोनों कानों की श्रवण क्षमता का प्रमाण इस टेस्ट द्वारा जाना जा सकता है। हाय, कैसे रही चेकअप की शुरुआत? अच्छी। और तुम्हारी? मस्त, सच कहूँ तो बहुत ही बढ़िया। कितना प्रसन्न वातावरण है ना? और काफी लोग आए हैं चेकअप के लिए, काफी दूर से और अलग अलग शहरों से। अच्छा, अब मुझे भूख लगी है। इस जांच के द्वारा रक्त नलिकाओं के दीवारों की सख्ती नापी जा सकती है। ये हृदय आलेख जिससे हार्ट बीट्स की नियमितता समझी जा सकती है, पल्मोनरी लंग फंक्शन टेस्ट। गायनाकोलॉजिक चेकअप इससे स्त्री रोग विशेषज्ञों द्वारा आम जांच मतलब सोनोमेमोग्राफी और पैप स्मियर जैसे टेस्ट किए जाते हैं। इकोकार्डियोग्राफी हृदय के विभिन्न झड़पों की अवस्था और उनके विकारों के बारे में इस टेस्ट से जल्दी जानकारी मिलती है। फेफड़ों के विकारों का सही समय पर निदान एक्सरे के जरिए हो जाता है। अल्ट्रासोनोग्राफ USG CT scan जैसे तंत्र ज्ञान का इस्तेमाल करके हम शरीर के किसी भी अवयव के बहुत ही पतले स्लाइसेस लेकर अंदरूनी सिस्टम्स की विस्तार पूर्वक जानकारी पा सकते हैं। सीटी कैल्शियम स्कोरिंग कंप्यूटेड टोमोग्राफी इस तंत्र ज्ञान का इस्तेमाल करके हम हृदय की रक्त नलिकाओं में जमा हुए कैल्शियम क्षार का मापन कर सकते हैं। अब हमें उपलब्ध हुए सीटी स्कैन उपकरण की प्रतिमाएं लेने की रफ्तार काफी तेज होने की वजह से हृदय जैसे लगातार हिलने वाले अवयव की प्रतिमाएं भी ली जा सकती हैं। इसलिए हृदय की एंजियोग्राफी मतलब हृदय को खून ले जाने वाले नलिकाओं की जांच करना अब बहुत आसान हो गया है। इस वजह से किसी भी व्यक्ति को अस्पताल में दाखिल हुए बिना एंजियोग्राफी करना अब मुमकिन हो गया है।
इसी प्रकार से गर्दन की रक्त नलिकाएं, दिमाग की रक्त नलिकाएं, दिमाग के रोग, इनका निदान भी हम फौरन कर सकते हैं। सभी टेस्ट कराने के बाद अब हम डॉक्टर साहब से मिलेंगे, उनकी राय लेंगे। डॉक्टर साहब, कैसी रही हमारी रिपोर्ट्स? आपको अव्वल नंबर मिले हैं। आपके लगभग सभी रिपोर्ट्स अच्छे हैं, किंतु हम डिटेल में देखेंगे तो हमने काफी टेस्ट किए हैं। उनमें खून की जांच की है, खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा थोड़ी कम है, लेकिन बाकी अन्य रिपोर्ट्स ठीक ही है। हार्ट की इकोकार्डियोग्राफी हमने की, उसमें कोई दोष नहीं है। सीटी स्कैन, एंजियोग्राफी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है। अच्छा डॉक्टर, मेरे रिपोर्ट्स के मुताबिक मेरा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गया है, ये कितना सीरियस है? इसका उत्तर हाँ और ना वैसे दोनों है। हाँ, इसलिए कि यदि हम अब की बार कोलेस्ट्रॉल पर ध्यान नहीं देते तो भविष्य में उसकी मात्रा बढ़कर हार्ट की रक्त नलिकाएं या दिमाग की रक्त नलिकाएं ब्लॉक हो जाने की संभावना होती है, और उसके साथ आपका स्मोकिंग भी है। यदि ये दो चीजें एक साथ आ जाएं, तो एक खतरा हो सकता है। इसलिए यदि आज से ही हमने सावधानी बरती तो भविष्य में ऐसा खतरा आने से बच सकेंगे। अच्छा मतलब आज की इस परिस्थिति में मेरे लिए सिर्फ दवाइयां लेना काफी होगा कि मुझे मेरी जीवन शैली में भी बदलाव लाना होगा? सच कहें तो सिर्फ जीवन शैली में बदलाव भी अभी काफी है। तुरंत दवाइयों का चालू करना इतना आवश्यक नहीं, ऐसा मैं मानता हूँ। मतलब अब के बाद आप सही समय पर आहार, नियमित निद्रा और एक्सरसाइज, इन तीन चीजों का पालन करोगे, और साथ में सिगरेट की दोस्ती अगर कम करोगे, तलाक दे सके तो बहुत ही बढ़िया, मगर स्मोकिंग बंद की तो डेट विल बी आइडियल। और इसमें जो कुछ भी संभावित खतरे हमें मालूम पड़ रहे हैं, उन्हें हम आगे तो निश्चय ही पोस्टपोन कर सकेंगे, अगर पूरी तरह से खत्म ना कर सके तो भी। ओके, ऑल द बेस्ट। या नमस्ते। नमस्ते। मुझे इतना फ्रेश, इतनी खुशी महसूस हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सका, अपने परिवार के लिए कुछ कर सका। मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। हाँ मगर कितनी आशंकाएं थी तुम्हारे मन में। हाँ मगर इंडस की वजह से वो सब मिट गई है। ग्रेट। इतनी सारी टेस्ट एक ही दिन में कैसे खत्म हुई पता ही नहीं चला। यहाँ की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट से तो मैं बहुत ही प्रभावित हो गया हूँ। और अहम बात तो वो थी। कौन सी बात? काउंसलिंग। डॉक्टर साहब के साथ जो खुले दिल से बातें हुई, उनसे सारी चिंताएं दूर हो गई। तो अब ये तय हुआ, हर साल हम इंडस में आकर ही चेकअप करवाएंगे। सिर्फ हम ही नहीं, तो हम, हमारे रिश्तेदार और सारे दोस्त, इन सबको साथ लेकर आएंगे। बिकॉज प्रिवेंशन पेज। यस, इट रियली पेज। इंडस की वजह से हमारी जिंदगी बदल गई है। आपका क्या? इंडस अर्थात उत्तम आरोग्य यानी संपदा। यदि आप किसी व्याधि से पहले से ही त्रस्त हैं, तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से मिलें तो बेहतर होगा। इंडस का ये सब अत्याधुनिक तंत्र ज्ञान और अनुभवी तंत्रज्ञों की सेवा का लाभ अब मुंबई में भी उपलब्ध है। इनसाइट इमेजिंग सेंटर।